सो हे गाइस, फाइनली हम यहाँ पे इस पेड़ के पास पहुँच गए हैं। और गाइस काफ़ी ओपी पेड़ लग रहा है, मतलब काफ़ी नज़दीक से काफ़ी अच्छा लग रहा है। और गाइस चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से आकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसी पहल पहल टॉप 5 अमेजिंग मिथबस्टर वीडियो देखने के लिए। सो विदाउट वेस्ट टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो पहला मिथ है, पानी के बीच जाकर अगर आप जंप करोगे तो आपको डैमेज नहीं होगा, और पानी का साइड में आप जंप करोगे तो आपको डैमेज होगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि गाइस आप यहां पर देख सकते हो, मैं जेटर डैन को लेके ऊपर आ गया हूं और यहां से काफ़ी ऊपर आ गया हूं। अब यहां से गाइस मैं यहां से लेता हूं जंप। अब जंप लेने के बाद जैसे कि गाइस आप यहां पर देख सकते हो, मैं बहुत काफ़ी ऊपर चला गया था जेटर डैन को लेके। अब वहां से मैंने काफ़ी देर से मैं कूद ही जा रहा हूँ भाई, मैं हवाओं के बीचों बीच क्या ही करूँगा। गाइस फाइनली मैं नीचे गिरने वाला हूँ पानी के अंदर, और हाँ गाइस डैमेज नहीं हुआ अपन को। और चलिए गाइस पानी के बीच में जाके फिर अपन गिर के देखते हैं कि ये पानी के मतलब बीच में नहीं साइड में जाके अपन गिर के देखते हैं कि क्या ही होता है। सो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, पानी के साइड में आके मैं जेटर डैन को ऊपर ले गया, उधर से मैंने गाइस जंप ले ली है। जंप लेने के बाद गाइस मेरे जो दिल है धक धक हो रहा है, लेकिन मैं मरूँगा। हाँ गाइस मैं यहाँ से मर गया। सो गाइस जो ए मेथ है पानी बीच वाला वो सही है, तो हाँ गाइस ये सही है, तो ए मेथ होता है गाइस कन्फर्म। मिथ नंबर 2, अगर हम किसी भी बॉस पेल के ऊपर बार बार स्पेयर फेंकेंगे तो वो कैप्चर हो जाएगा विदाउट डैमेज। तो चलिए गाइस देखते हैं। तो जैसे कि गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरे सामने मेमोरेस्ट है, तो अपन ने मेमोरेस्ट को बॉल पकड़ेंगे। और गाइस यहाँ पे देखिए मेरे पास जो बॉल है कितने सारे पोकेमॉन बॉल हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ मेरे पास कितनी है। मेरे पास अल्ट्रा मेगा सारी हैं मेरे पास, मतलब यहाँ तक कि लेजेंडरी तक मेरे पास बॉल है। तो गाइस यार क्यों टेंशन ले रहा हो, इसको मैं बिना डैमेज के पकड़ूंगा। अरे ये पकड़ता है तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने काफ़ी मेगा बॉल फेंक दिए हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मैं काफ़ी मेगा बॉल फेंकता जा रहा हूँ। और गाइस ये मेरे को गाइस डैमेज दे दिया, इसने मेरे को डैमेज दे दिया। और गाइस ये मेरे को डैमेज काफ़ी अच्छा दे रहा है। और गाइस यहाँ पर देख सकते हो, मैं मेगा बॉल फेंकते ही जा रहा हूँ, लेकिन ये मेरे को ये डैमेज दे रहा है। तो जेटर डैन के ऊपर मैं बैठ गया हूँ। अब मैं इसके ऊपर एक के बाद एक मैं मेगा बॉल फेंकता जाऊँगा और ये मेरे को डैमेज काफ़ी कम कर पाएगा गाइस। और यहाँ से कि गाइस यहाँ पर देख सकते हो, मैं मेगा बॉल फेंकता जा रहा हूँ, लेकिन गाइस मेरे को नहीं लगता ये मेगा बॉल में आएगा। तो गाइस अपन मेगा बॉल को चेंज करके अपन लेजेंडरी बॉल फेंकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने अल्ट्रा भी फेंक दी थी, अब फेंकते हैं अपन लेजेंडरी। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, मैं अब बंदूक से लेजेंडरी बॉल फेंक रहा हूँ, एक दो। सो गाइस ये लेजेंडरी बॉल में आ गया है गाइस, लेजेंडरी स्पेयर में आ गया है। सो जैसे कि आप ये देख सकते हो, फाइनली मैंने बॉस पोकेमॉन पकड़ लिया है, वो भी लेजेंडरी में, वो भी विदाउट डैमेज। तो जैसे ही गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं विदाउट डैमेज इसको पकड़ लिया है, तो ए मिथ होता गाइस कंफर्म। तो बढ़ते हैं मिथ नंबर 3 की तरफ, हम मर्चेंट को कैप्चर करके फ्री में सामान ले सकते हैं। तो चलिए गाइस अपन देखते हैं कि अपन मर्चेंट को कैप्चर करके सही में फ्री में सामान ले सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, जो मर्चेंट है इस विलेज में रहते हैं, तो इधर इस विलेज में मैं आ गया हूँ गाइस। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अभी इस विलेज के मैं अंदर आ गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ किसी एक मर्चेंट को कैप्चर करके और उसको अपने बेस पर ले जाते हैं और देखते हैं कि अपन को सामान मिलता है कि नहीं। तो जैसे ही गाइस यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसको लेजेंडरी बॉल से पकड़ रहा हूँ, लेजेंडरी पोकेमॉन बॉल से पकड़ रहा हूँ, स्पेयर भी आप कह सकते हो। मैं गाइस मेरे को पोकेमॉन बॉल बोलना बहुत अच्छा लगता है। बूम गाइस इधर से अपन ने इसको पकड़ लिया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं अपने बेस पे आ गया हूँ गाइस, और यहाँ पे मैं इसको उतारता हूँ। और मैंने गाइस कम से कम 3-4 मर्चेंट पकड़ लिए थे, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने इस मर्चेंट को रोका और मैंने इससे सामान लेने की कोशिश करी। जैसे कि यहाँ पे मैंने बाय पे क्लिक किया, बाय पे मैंने क्लिक किया, और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो मैं सामान ले रहा हूँ, लेकिन मेरे को वही रेट में मिल रहा है, फ्री में नहीं मिल रहा है। कोई भी सामान मेरे को फ्री में नहीं मिल रहा है, ये वही रेट में दे रहे हैं। तो चलिए गाइस अपन दूसरे मर्चेंट की तरफ चलते हैं जो पोकेमॉन सेल करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं इससे ही बाय करके देखता हूँ। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, मैं कुछ भी सामान लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वही प्राइस में दे रहा है और डिस्काउंट भी नहीं दे रहा है। तो ये मिथ होता गाइस बस्टेड। सो गाइस अब मिथ नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। मिथ नंबर 4, आप मेगा स्पेयर से सिंडिकेट को गाइस पकड़ सकते हैं, प्लीज ट्राई माय मिथ। तो गाइस मैंने आपका मिथ ले लिया, और आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए। सो अब जैसे कि गाइस यहाँ पे देख सकते हो, मैं सिंडिकेट को यहाँ पे पकड़ने आया। मैंने मेगा स्पेयर से काफ़ी बार ट्राई कर लिया है, लेकिन नहीं हुआ। और मैंने गाइस लेजेंडरी स्पेयर फेंकी है, उससे गाइस बूम गाइस ये पकड़ गया है।
तो जैसे ही गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैंने सेंडिकेट को मेक लेजेंडी से पकड़ लिया, ना कि मेगा से। गाइस मेगा से नहीं पकड़ पाया था, ये लेजेंडी से पकड़ा है। सो गाइस ये मिथ होता है गाइस कन्फर्म। मिथ नंबर 5, पानी में आप ज़्यादा देर रहोगे तो आपको डैमेज होगा। तो चलिए गाइस यहाँ पे देखते हैं कि ये जो मिथ है सही है या नहीं। और गाइस अगर आप चैनल पे नए हो तो क्या ही करोगे गाइस, जल्दी से आगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी मिथ बस्टर वीडियो देखने के लिए बेल बेल्ट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैं काफ़ी देर से यहाँ पे घूम रहा हूँ, लेकिन गाइस मेरे को अभी तक एक भी डैमेज नहीं हुआ है। मैं बहुत देर से तैर रहा हूँ और गाइस मेरा जो स्टेमिना है वो भी ख़त्म होता जा रहा है। और जैसे ही गाइस यहाँ पे देख सकते हो मेरे को 100 का डैमेज अब मिलना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही मेरा स्टेमिना जो कि ख़त्म हुआ है तभी मेरे को 100 का डैमेज मिल रहा है। और मेरे को तो लग रहा है गाइस यहाँ से मैं डैमेज होते ही मैं ख़त्म हो जाऊँगा। जैसे ही गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो मैं मर गया हूँ, ख़त्म हो गया हूँ। सो ये मिथ होता है गाइस कन्फर्म। तो ऐसी मिथ एक्स्ट्रा वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड एंड बाय।